अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने कैरियर कंट्रोल फायरवॉल के अंदर सोशल वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट जो आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में ये ब्लॉक हो, और वो स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि किस तरह आप कोई भी वेबसाइट किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर या पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले आपने अपने फायरवॉल को एक्सेस कर लेना वेब पेज के थ्रू। एक्सेस करने के बाद आपने आ जाना अपने इंटरफेस पे। इंटरफेस पे आपने देख लेना, आपके दो इंटरफेस होंगे, एक होगा वैन, एक होगा लैन। लैन का जो आईपी होगा वो 10.0.50.220 होगा, ठीक है। तो हम अपने कंप्यूटर पे आके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्ट है वो किस गेटवे के थ्रू कनेक्ट है। तो देखिए, हमारा जो गेटवे है 10.0.50.220 और DNS पे भी हमने 220 दिया हुआ। और अब हम ब्राउजिंग करके देखते हैं कि हमारा वेबसाइट प्रॉपर वर्किंग कर रही है। तो देखिए, हमारा इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं इसको फेसबुक वगैरह ओपन करता हूँ, फेसबुक भी ओपन हो रही है। उसके बाद मैं अगर कहता हूँ jio.tv, ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो ये देखिएगा, ये भी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसके बाद urdu.com इसको ओपन करते हैं, तो देखिएगा ये वेबसाइट ये भी ओपन हो जाएगी। हम twitter.com, हम ये ट्विटर, तो ये देखें सारी की सारी वेबसाइट ओपन हो रही हैं। अब हम ये देखें, हमने चार वेबसाइट ओपन की हैं। तो ये मैं चारों वेबसाइट इसको ब्लॉक करके आपको सिखाऊंगा कि फायरवॉल के अंदर आप किस तरह इसको ब्लॉक करेंगे। तो चलें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है कॉन्टैक्ट फिल्टर पर। कॉन्टैक्ट फिल्टर पर आके यहाँ पर आपने रूल क्रिएट करना है, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक सोशल वेबसाइट, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन पे इस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने देना है यूआरएल होस्ट नेम। यहाँ पे यूआरएल होस्ट नेम देंगे, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे static.urdu.com। मीन्स के डॉट हमने इसलिए दिया, डॉट से पहले स्टैरिक दे दिया, इससे पहले कोई भी वर्ड हो, www हो, वेब हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी की सारी वेबसाइट ब्लॉक होगी। हम नेक्स्ट देते हैं यूआरएल, हम कहते हैं static.facebook.com। इसके बाद हम कहते हैं static.jio.tv। हम इसके बाद आते हैं twitter.com, ठीक हो गया, और इसको ओके करते हैं। और हम देखते हैं सोर्स, यानी कि किसके लिए आप ब्लॉक करना चाहते हैं, पूरे नेटवर्क के लिए या किसी स्पेसिफिक यूज़र या कंप्यूटर के लिए। मैं कहता हूँ मैं एक स्पेसिफिक यूज़र्स एंड ग्रुप्स के लिए करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरा यूज़र है फैसे, ठीक है। ये मैंने आपको यूज़र ग्रुप में बताया था आपने किस तरह यूज़र क्रिएट करना है और उसको आईपी के साथ कैसे लिंक अप करना है। अगर तो आपने वो वीडियो मिस किया तो फौरी तौर पे जाएं और अभी जाके उस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। मैं अभी फैसल के लिए ब्लॉक करना चाहता हूँ, इसको ओके ओके। और एक्शन क्या हो, जब भी ट्रैफिक आए फैसल से इन वेबसाइट के लिए, तो एक्शन क्या होगा, हम कहेंगे ड्रॉप करें, और लॉग हम इसका लॉग भी जनरेट करवाना चाहते हैं, और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, हमारे रूट क्रिएट हो गया और हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं ये वेबसाइट हमारी ब्लॉक हो चुकी है कि नहीं। हम जैसे वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये वेबसाइट हमारी ब्लॉक हो गया, अब हम ये वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हम इस वेबसाइट को भी देखते हैं, तो ये देखें ये भी हो गई। और ट्विटर को देखते हैं तो ये भी वेबसाइट हो गई। फेसबुक को देखेंगे तो ये फेसबुक वेबसाइट भी हमारी ब्लॉक हो गई। हमने ये चारों वेबसाइट ब्लॉक की थी, यहाँ पे रूट के अंदर क्रिएट किया था, फेसबुक, jio.tv, ट्विटर, उर्दू पॉइंट। तो ये देखें ये चारों के चारों वेबसाइट यहाँ से ब्लॉक हो गई हैं। अब इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि जब भी ट्रैफिक आ रही है इसके अंदर फायरवॉल पे, तो वो फायरवॉल रूट चेक कर रहा है कि जब भी यूज़र असेस करे इन वेबसाइट को, उसका एक्शन क्या हो, ड्रॉप हो। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे नेटवर्क पे यानी दूसरे कंप्यूटर पे ये वेबसाइट ओपन हो, तो अब वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करके देखते हैं। हमने ब्लॉक की थी 10.0.0.140, मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 50.140 कर देता हूँ, ओके ओके। अब ये देखिएगा, अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फैसल के अलावा कोई भी कंप्यूटर से वेबसाइट आएगी तो वो ओपन हो जाएगी, और जब फैसल यूज़र से जब आएगी तो वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें यूज़र पे जाते हैं जब हम, तो ये फैसल यूज़र है और यहाँ पे हमने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, यानी कि 10.0.0.140।
इस आईपी से जब भी ट्रैफिक आएगी तो वेबसाइट ब्लॉक मिलेगी, यानी कि इनके अलावा जो भी यूज़र सर्च करेगा तो उन सबको ट्रैफिक अलाउ होगी। अगर यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पर जाके इधर सोर्स की जगह हम एनी कर देंगे तो इसको अप्लाई करते हैं, और अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी रूल क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने नेटवर्क पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस तरह की वेबसाइट को ब्लॉक करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।